बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, आज के सेशन में हमारा जो डेटा सेंड करने का जो पार्ट था वो हो गया है, एंड देन डेटा फिच करना वो भी हो गया है। यहाँ पर हम डेटा ऑलरेडी फिच कर चुके हैं डेटाबेस सर्विसेज में। ये देखें, गेट म्यूजियम्स डेटा, सही है। फॉर टाइमिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर जस्ट मैं लगाता हूँ फॉर डॉक इन, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सही है। फॉर डॉग इन स्नैपशॉट, अब आपको ये जो स्नैपशॉट डॉट डॉग्स है ना, ये आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, सही है। और ये डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में होते हैं, जेसॉन फॉर्मेट में होते हैं। अब यहाँ पर प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, जस्ट प्रिंट डॉग। इसको रिस्टार्ट करते हैं ताकि ये स्क्रीन दोबारा से रिस्टार्ट हो जाए। अच्छा, इंस्टेंस ऑफ क्वेरी स्नैपशॉट, इंस्टेंस ऑफ क्वेरी स्नैपशॉट है, सही है। यहाँ पर हमारे पास असल में डॉट्स डॉट, असल में ये हमें स्नैपशॉट प्रोवाइड करेगा, उसका एक इंस्टेंस होगा स्नैपशॉट। इसको हम स्नैपशॉट्स कह देते हैं, एंड स्नैपशॉट्स एंड इसको मैं कह देता हूँ स्नैपशॉट, स्नैपशॉट डॉट डेटा, सही है। स्नैपशॉट डॉट डेटा जो होगा उसके अंदर जो डेटा डेटा है वो हमें जेसॉन फॉर्मेट में प्रिंट करके दे देगा, सही है। दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं इसको, रिलोड। ये देखें, म्यूजियम्स फेस्ट अभी हमें डेटा दे रहा है किस फॉर्मेट में, की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में दे रहा है, जो कि हम जिसको हम जेसॉन फॉर्मेट भी बोलते हैं, सही है। सो हमारे पास ये डेटा की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में आ रहा है। सो डेटा हमें मिल रहा है, अब हमने करना क्या है, इस डेटा को हमने कन्वर्ट करना है किस फॉर्मेट में, इससे एक लिस्ट ऑफ म्यूजियम्स बनाना है, सही है। और मैपिंग आपको याद है ना, हम डेटा को किस तरह मैप कर देते हैं, सही है। हमने डेटा को राइट नाउ जस्ट मैप करना है। ये डेटा मुझे जेसॉन फॉर्मेट में डेटा देगा, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को मैंने कन्वर्ट करना है म्यूजियम्स के ऑब्जेक्ट में, एंड वो लिस्ट यहाँ पर मैंने रिटर्न करनी है जस्ट होम स्क्रीन पे। ये होम स्क्रीन जो है, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट ऑफ म्यूजियम, सही है। एंड इसको मैं नाम देता हूं म्यूजियम, सही है। इसको टाइमिंग मैं एम्प्टी रखता हूँ, सही है, एम्प्टी लिस्ट असाइन कर दी है मैंने इसको। एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली ये एसिंक्रोनस यहाँ पर नहीं डाल सकते, सही है, क्योंकि इनिट को हम एसिंक नहीं कर सकते, सही है। सो यहाँ पर हम वेट नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ गेट डेटा का, सही है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आता हूँ, इसको मैं ऐसे ग्राउंड बना देता हूँ, सही है। एसिंक्रोनस, एंड यहां पर क्या होगा, म्यूजियम्स लिस्ट इक्वल्स टू अवेट, सही है। सो ये क्या करेगा, जो गेट म्यूजियम डेटा का फंक्शन है, ये हमें लिस्ट ऑफ म्यूजियम रिटर्न करेगा। समझ नहीं आ रही है, कोई मसला है तो बता सकते हैं, यहाँ कोड से कोई मसला है तो बताएं, अगर कोड से मसला नहीं है तो ये ओके। सो म्यूजियम्स लिस्ट है, ये हमें लिस्ट ऑफ म्यूजियम रिटर्न करेगा, सही है, लिस्ट ऑफ म्यूजियम होगा यहाँ पर, सही है। एंड देन अब यहां से हमने क्या रिटर्न करना है, लिस्ट ऑफ म्यूजियम वहां पर रिटर्न करना, सही है। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, फाइनल फाइनल तो नहीं बल्कि लिस्ट ऑफ म्यूजियम,
आप लोग भी कहेंगे इतना लंबा यहाँ पर भी लिस्ट ऑफ म्यूजियम बना रहे हैं, वहाँ पर भी लिस्ट ऑफ म्यूजियम बना रहे हैं, इतना लंबा आप क्यों लेके जा रहे हैं? सही है, वजह इसका ये है कि राइट नाउ जब मैं यहाँ होम स्क्रीन से मैं एक यहाँ पर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, सो मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए कि डेटा किस फॉर्मेट में मेरे पास आ रहा है। यहाँ पर वो सारा कुछ हैंडल करना इसका काम है। डेटा जिस फॉर्मेट में भी यहाँ पर आएगा, ये मुझे लिस्ट ऑफ म्यूजियम रिटर्न करके देगा। सही है, लेट सपोज अभी आपके पास डेटा किस से आ रहा है, फायरबेस से आ रहा है। लेट सपोज कल आप जो है ना जब म्यूजियम डेटा है ना, अगर आप कहते हैं कि यार फायरबेस नहीं, मैंने जो है ना वो कस्टम डेटा बेस यूज करना है, कस्टम बैकएंड लगाना है मेरे साथ, एसक्यूएल डेटा बेस है, रेस्ट एपीआई के थ्रू मैंने डेटा गेट करना है, तो जस्ट आपने यहाँ पर चेंज करना होगा। ये जस्ट गेट म्यूजियम का जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी ये जो चेंजेस है आपको करने की जरूरत नहीं होगी। आप अंडरस्टूड हैं यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये लिस्ट ऑफ म्यूजियम आपको रिटर्न करके देगा। सही है, सो दैट्स व्हाई आपका जो कोड है ना ये सेपरेट हो जाता है। बाद में अगर आपने चेंजेस करना है तो एक स्पेसिफिक फाइल के अंदर चेंजेस करना है, हर जगह पर चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, म्यूजियम्स होटल नहीं है, एम्प्टी कर देता हूँ। सही है, एंड देन ओवर हियर जब हमारे पास डॉक्स आ रहे हैं ना डॉक्यूमेंट्स, तो प्रिंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे ना प्रिंट भी कर देते हैं, एंड प्रिंट के साथ साथ यहाँ पर हम क्या करते हैं म्यूजियम्स लिस्ट डॉट एम, इसमें क्या ऐड करूंगा, म्यूजियम ऐड करूंगा एक। सही, म्यूजियम ऐड करना है। सही है, एंड इसके अंदर फिर क्या होगा, इसके अंदर जो उसके अंदर फिर नेम फील्ड है। सही है, एंड नेम फील्ड में हमें क्या देना होगा, ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट आ रहा है स्नैपशॉट का डेटा आ रहा है, ये डेटा किस फॉर्मेट में होगा, जेसॉन फॉर्मेट में होगा ना। मैं कर देता हूँ यहाँ पर, मैं कंप्लीट बनाता हूँ, फाइनल डेटा इक्वल्स टू स्नैपशॉट डॉट डेटा। सो ये डेटा किस फॉर्मेट में है, ये हमारे पास एक जेसॉन फॉर्मेट में होता है। सही है, अब जेसॉन से मैंने नेम निकालना है, नेम की, सो यहाँ पर मैं नेम याद है ये मैंने किया था। सही, ये फॉर्मेट लेट्स सपोज इसको मैं जेसॉन का नाम देता हूँ, जरा आसान हो जाएगा। सही है, अब जेसॉन से मैंने डेटा निकालना है, कौन सा वाला, ये वाला, तो की कौन सी होगी, नेम की यहाँ पर मैंने डाली है। सही है, एंड देन उसके बाद क्या है, एड्रेस है, एंड एड्रेस की की हमारे पास क्या है, एड्रेस, एंड थर्ड हमारे पास इमेज यूआरएल है, सो जेसॉन इमेज URL। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट म्यूजियम का एक ऑब्जेक्ट बन के ये म्यूजियम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। क्लियर, अब ये बार बार लेट सपोज किसी और जगह पर मुझे इस तरह डेटा गेट करना है, सो अगेन मुझे ये कीज एंड ये दोबारा से बनाने पड़ेंगे। सही है, सो इस सारे प्रोसेस के बजाय मैं क्या करता हूँ, म्यूजियम ऑब्जेक्ट है इसमें एक और कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता हूँ, जिसको मैं एक जेसॉन पास करूंगा, वो ऑटोमेटिकली उस जेसॉन को इस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके देगा मुझे। सही है, सो यहां पर म्यूजियम्स के बजाय मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा, एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये हमारे पास जो है ना, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये वाला। सही है, और इसमें हमारे पास एक दूसरा कंस्ट्रक्टर है। इस तरह हम यहां पर कंस्ट्रक्टर डार्ट में जब बनाते हैं तो साथ में डार्ट लगा के कोई कीवर्ड लगा के हमारा नया कंस्ट्रक्टर बन जाता है। सही है, बाकी लैंग्वेजेस जो हम करते हैं सपोज जावा है या सी प्लस प्लस है, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो वैल्यूज अगर चेंज हो जो हम पास करते हैं उसको, तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास बन जाता है, एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बन जाता है। सही है, बट डार्ट में के लिए आपने क्या करना है, साथ में डॉट लगा के एक कीवर्ड लगाना होता है। सही है, तो हमने ये किया हुआ है, म्यूजियम डॉट म्यूजियम डॉट, अच्छा म्यूजियम डॉट फ्रॉम जेसन, और जेसन को हम ये जेसन पास करना। क्लियर है, क्लियर है ना, अगर क्लियर है तो इसकी जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जस्ट मैं क्या डाल देता हूँ, स्नैपशॉट डॉट डेटा। अगर आपने थोड़ा और समझने में मुश्किल आ रहा है तो आप क्या करें, आप वही फॉर्मेट फॉलो करें, फाइनल
दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, समझने के लिए बेहतर है कि आप इस तरह करते हैं, सही है। बट जब हम तेजी से काम करते हैं, स्पीड लगाते हैं उसमें, तो ये जो छोटे 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 चीजें हैं उसको हम स्किप करके डायरेक्टली डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं काम मोस्टली, सही है। सो ये क्या करेगा, ये जेसन से कन्वर्ट करके म्यूजियम का एक ऑब्जेक्ट बना के म्यूजियम लिस्ट में एड कर देगा, क्लियर है। अगर ये क्लियर है सो ये जो एडिशन हो जाए, देन हमने यहां से क्या करना है, ये जो म्यूजियम लिस्ट है इसको हम रिटर्न कर देंगे, सही है। म्यूजियम लिस्ट क्लियर है। सो ये अब क्या करेगा, ये मुझे यहां पर ये म्यूजियम का लिस्ट रिटर्न करके देगा, क्लियर। एंड देन यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, सही है। म्यूजियम टाइल है, ये सारे मैं रिमूव कर दूंगा फॉर नाउ, देख सकते हैं ये सारे रिमूव हो जाएंगे, सही है। अच्छा अब लिस्ट व्यू है ना, यहां पर लिस्ट व्यू मुझे डेटा चाहिए, सही है, यहां पर। और मेरे पास यहाँ पर म्यूजियम लिस्ट भी है, सही है। सो एक तो हमारे पास ये है कि आप जब स्टेप बाय स्टेप डेटा दे रहे हो, अगर आपको पता है कि लिस्ट व्यू में अगर आपको पता है कि आपके पास लिस्ट व्यू का साइज कितना है, तो आप जस्ट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि यार सॉरी म्यूजियम फाइल, तब यहाँ पर म्यूजियम का वो ऑब्जेक्ट दे दें, सही है। सही है, दो तीन ऑब्जेक्ट आप इस तरह दे देता है, सही है। बट राइट नाउ अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे पास यहाँ पर लिस्ट में कितने आइटम्स होंगे, किस तरह मैं ऐड करूंगा, सही है, तो यहाँ पर तो बार बार हम एक एक नहीं लगा सकते ना। एक तरीके का आपको ये है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, म्यूजियम लिस्ट, वो ऑब्जेक्ट मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, अंडरस्कोर होम स्टेट म्यूजियम लिस्ट, म्यूजियम लिस्ट डॉट इंडेक्स जीरो, मैं जीरो इंडेक्स लगाऊं फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वो ऑब्जेक्ट इसको पास हो जाएगा। सो ये म्यूजियम की जरूरत ही नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या मसला है, ये क्योंकि मेरे पास लिस्ट ऑफ म्यूजियम्स है ना, सो ऑब्जेक्ट नंबर जीरो इसको पास हो जाएगा, सही है। एंड देन इसके बाद मैंने क्या करना है, ऑब्जेक्ट नंबर वन पास कर देना है, एंड देन ऑब्जेक्ट नंबर, अगर आपको लिस्ट का नहीं पता तो आप ये कैसे करेंगे, ये मुश्किल हो जाएगा इस टाइम पर, सही है। अब इसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, तो ताकि डेटा गेट हो जाए और वहां पे हमारे पास ये प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो हो जाए। अब इसमें एक मसला भी आएगा, अब आपको मैं बताता हूँ, अब ये इसमें मसला आ रहा है, और मसला इसमें क्या आ रहा है कि हम यहाँ पर तो गेट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल गेट का फंक्शन कॉल ही नहीं किया, सही है, एक तो गलती ये गेट का फंक्शन हमने कॉल नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेटा गेट करना है, देन वो डेटा हमने डिस्प्ले करना है। जब हम डेट गेट नहीं कर रहे तो इसका जो साइज है ऑलरेडी जीरो है, वो बता रहे कि यार आप इंडेक्स जीरो है ही नहीं, तो आप उसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं, स्टिल वो मसला आ रहा है, हालांकि हमने गेट का फंक्शन कॉल भी किया हुआ, सही है। और यहाँ पर देखें आपके पास गेट में डेटा भी आया है, बट मसला क्या है, मसला ये है कि जैसे ही इनिट कॉल होता है उसके बाद डायरेक्टली बिल्ड का फंक्शन कॉल होता है, सही है। हालांकि ये जो प्रोसेस ये डेटा लेने में टाइम भी लेगा, इसको टाइम लगता है डेटा उठाने में वहां से, सही है। सो दैट्स व्हाई हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम एक फ्लैग ऐड करेंगे, बूल इज गॉट डेटा, वो टाइम इनिशियली हम फाल्स कर देता, क्लियर, फाल्स कर दिया है। एंड देन यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ, यहाँ पर मैं एक चेक लगाऊंगा कि एज गॉट डेटा, अगर डेटा आया हुआ है देन डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं, सही है। अदरवाइज अगर डेटा नहीं आया तो क्या करना है, इसको इसका तो पता है ना, एफ एल्स कंडीशन, सही है, सेंटर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लगा दिया मैंने,
दोबारा से सेव करते हैं। सो हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि इनिशियली जब हमारे पास ये फंक्शन कॉल होता है, सही है, सो ये डाटा आने में टाइम लगेगा, सही है। यहाँ पर हमने अवेट लगाया हुआ है ना, सो जब ये डाटा आ जाएगा इसमें, देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेट स्टेट एंड जो इज गॉट डाटा का जो इसको हम ट्रू कर देते हैं, मतलब डेटा हमारे पास आ गया है, अब हम डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब ये आपको समझ आ जाएगी कि ये हमने क्यों लगाया हुआ। रीस्टार्ट, अभी तक डेटा नहीं आया, डेटा आ गया है, इसको दोबारा से करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगे ना प्रोसेस में। अब डेटा नहीं आया था ना, तो जब तक डेटा नहीं आया था वो प्रोग्रेस बार शो कर रहा था, अब इसमें टाइम बहुत कम था, ये काफी जल्दी डेटा गेट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई वो प्रोग्रेस बार ज्यादा टाइम के लिए शो नहीं हो रहा, सही है। सो उस टाइम तक ये प्रोग्रेस बार शो होगा, जब हमारे पास डेटा आ जाएगा सो ये फ्लैग ट्रू हो जाएगा, एंड देन उसके बाद इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेस बार हम क्या कर रहे हैं, उसको वो लिस्ट व्यू शो करके दे रहे हैं, सही है। अभी हमारे पास उस लिस्ट में डेटा आ रहा है, ये देखेंगे हमारे पास एक्चुअली वो डेटाबेस का डेटा यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, सही। अगर यहाँ तक क्लियर है, अब इसमें एक और मसला है, वो ये है कि मुझे इसके साइज का नहीं पता, लेट सपोज अगर उसका साइज 3 ना हो, 4 हो, 5 हो, या लेट सपोज 0 हो, तब क्या होगा, उसका यहाँ पर मसला बन रहा। सो हम क्या करते हैं, हम लिस्ट व्यू के बजाय यहाँ पर इसका एक और कंस्ट्रक्टर है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पर, सही। एंड यहाँ पर चिल्ड्रन के बजाय हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक है बिल्डर यूज करते हैं इसका, आइटम बिल्डर, सही। एंड आइटम बिल्डर में ये हमें क्या देता है, इंटेक्स कॉन्टेक्स्ट एंड साथ में इंडेक्स, इसको हम रिटर्न करते हैं एक एक विजिट, इसको हम रिटर्न करेंगे यहाँ से, सही है। और विजिट कौन सा होगा, अभी आते हैं उसकी तरफ, म्यूजियम टाइल रिटर्न करेंगे ना यहाँ पर, म्यूजियम टाइल, एंड म्यूजियम टाइल में आपके पास जो म्यूजियम लिस्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इंडेक्स वाला, ये चले एक मिनट, ये सारा प्रोसेस करने से पहले आपको मैं यहाँ पे जो एक्चुअल मिस्टेक है वो बता देता हूँ, एंड देन उसके बाद हम आते हैं। राइट नाउ हमारे पास कितना डेटा है, 3 है ना, ये तो डेटा आ रहा है नॉर्मल, ये तो सही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर ये एक डॉक्यूमेंट डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एस, इसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ अपने एप्लीकेशन को, ये एरर आ रहा है, एरर इस वजह से आ रहा है, हमने यहाँ पर मेंशन तो किया कि इंडेक्स नंबर 3, मतलब ये तो आइटम नंबर 3 है ना, मतलब 0, 1, 2, 3, बट हालांकि वहाँ पर हमारे पास साइज कितना है, 2 2 डॉक्यूमेंट्स है, सो इस वजह से हम यहाँ पर इसको स्पेसिफिकली इस तरह मेंशन नहीं कर सकते, सही है। हाँ, एक एक, एक तो हमने ऑलरेडी वहाँ से डिलीट कर दिया, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नंबर शो नहीं कर सकते। तो इस केसेस, ऐसे केसेस में बेहतर तरीका क्या होता है, इसका एक और भी ऑप्शन है, इसको हम यहाँ पर मैप कर दे डायरेक्टली, ये म्यूजियम लिस्ट है ना उसको हम मैप कर दें, बट मैपिंग के बजाय बेहतर तरीका क्या है, आप यहाँ पर जस्ट इसका लिस्ट व्यू का एक और कंस्ट्रक्टर है बिल्डर, बिल्डर को यूज करें, एंड देन ये म्यूजियम टाइल है ना, एंड देन ये आपको एक आइटम बिल्डर का वो फंक्शन प्रोवाइड करता है, आइटम बिल्डर, और आइटम बिल्डर में आपको कंटेक्स्ट देता है एंड साथ में इंडेक्स देता है आपको, एंड यहाँ से आपने क्या रिटर्न करना है, जस्ट कि म्यूजियम टाइल रिटर्न करना है और म्यूजियम लिस्ट ऑफ इंडेक्स कर देना, ये सारा कुछ डायनेमिक हो गया है। अब यहाँ पर ना हमें साइज देने की जरूरत है, ये ऑटोमेटिकली ये म्यूजियम लिस्ट का जितना साइज होगा ना ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट करेगा इसके साथ, ऑटोमेटिकली इंडेक्स की ऑटोमेटिकली उसको खुद देगा, सही है। लेकिन इसमें एक चीज जरूरी है, यहाँ पर हमें साइज देना होता है, सही है, साइज लेंथ है, क्या नाम है उसका, आइटम काउंट देना होता है, आइटम काउंट, सही। आइटम काउंट क्या होगा, म्यूजियम लिस्ट डॉट लेंथ, इसको जिसकी बताना होता है कि उसका लेंथ कितना होगा, सही।
उसी के मुताबिक ये ऑटोमेटिकली आपको इंडेक्स देता है, और इंडेक्स में आपने जस्ट वो जो विजिट आपने वहां पर डिस्प्ले करना है लिस्ट में वो रिटर्न कर देना है, और साथ में आपको वो डेटा पास करना है। दो आइटम शो हो रहे हैं आपके सर, सही है। मैं एक आइटम यहां से और डिलीट करता हूं, डिलीट डॉक्यूमेंट हो गया है डिलीट। इसको हम रिस्टार्ट करते हैं ताकि हमें दोबारा रिक्वेस्ट हो जाए डेटा का, एंड देन यहां पर अभी हमारे पास सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होगा। एक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहा है और कोई मसला भी नहीं आ रहा। अब ऐसा ना करता हूं कि यहां से जो एक डॉक्यूमेंट है ये भी डिलीट कर देता हूं, तब क्या होगा, मसला आएगा? क्यों आएगा मसला? हाँ मसला आएगा या नहीं आएगा? मसला नहीं आएगा क्योंकि ऑटोमेटिकली इसको हमने साइज दी है ना, म्यूजियम लिस्ट डॉट लेंथ, इसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा उसका लेंथ जीरो है, तो यहाँ पर कुछ डिस्प्ले ही नहीं करना, सही है। ऑटोमेटिकली वो खुद एडजस्ट करेगा, सही है। तो यहाँ से मैं जस्ट मैं डमी डेटा दे रहा हूँ, यहाँ से हम एंटर करते हैं, यहाँ पर एक और एंटर करते हैं, यहाँ से वो आइटम एंटर कर दिए हैं, एंड देन उसको दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पर डेटा आएगा या नहीं आएगा। दो आ गए हैं ये आइटम्स, थर्ड आइटम ऐड करेंगे, रीलोड करेंगे तो थर्ड आइटम भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, सही है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सही है। तो यहाँ पर हमने ये डेटाबेस सर्विसेज का ऑप्शन भी देख लिया है, और ये जो हमने यहाँ पर टू जेसन एंड फॉर्म जेसन हमने बनाया है उसका हमने फायदा भी देख लिया है, सही है। इससे आपका कितना फायदा हो सकता है, एंड ऑब्जेक्ट्स बनाना एंड साथ में डेटाबेस सर्विसेज हमने क्यों डाले हैं, सही है, ताकि आपका कोड जो है एक साइड पे एक स्पेसिफिक जगह पर रहे हैं, सही है। लेट सपोज अगर यहाँ से मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ ना, यहाँ से मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ, सही है, एंड यहाँ से मैं डेटा फिच कर रहा हूँ यहाँ पर, सही है। अगर मैं इस तरह कर लूँ कि ये डेटाबेस सर्विसेज का जो फाइल है इसकी वजह जो मैंने ये जितना कोड यहाँ पर लिखा हुआ ये सारा मैं उठा के यहाँ पर लिख लूँ, जो गेट डेटा का फंक्शन है मैं यहाँ पर ले आऊँ, एंड देन जो एड म्यूजियम का जो फंक्शन है ये मैं यहाँ पर ले आऊँ, सही है। एंड कल आप चाहते हैं कि मैं फायरबेस से शिफ्ट हो रहा हूँ किसी और डेटाबेस पे, तो क्या करना होगा, आपने एक एक फाइल के अंदर जाके वहाँ पर वो चीज़ें चेंज करनी होगी, एक एक जगह पे आपने चेंज करना होगा, सही है। और अगर आप जो डेटाबेस सर्विसेज का यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, इसका एक और भी इससे भी बेहतर तरीका है, जस्ट आपने वहाँ पर फाइल नेम चेंज करना होता है, लेकिन फॉर नाउ बेहतर राइट नाउ समझने के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर आप डेटाबेस सर्विसेज यूज करते हैं तो जस्ट इस एक फाइल में चेंजेस करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर मैंने कौन कौन से चेंजेस करना है, यहाँ पर चेंजेस करके बाकी आपका एप्लीकेशन एक्जैक्टली सही काम करेगा, क्लियर है। सो आई थिंक जो डेटाबेस का मतलब बेसिक कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर यहाँ तक क्लियर हो जाता है कि हमने डेटा उसमें एड कैसे करना है, वहाँ से फिर हमने फिश कैसे करना है, सही है। एक और ऑप्शन ये भी है कि हम यहाँ पर एक और लिस्ट व्यू डालते हैं, सही है। सो वो भी ऑलरेडी इस कोड में है, जस्ट को मैंने कॉमेंट आउट किया था, सही है। उसको कर लें, जस्ट एक लिस्ट व्यू है, कुछ ज़्यादा इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, इसको कमेंट आउट रहना रहता है, एंड ये एग्जीबिशन का टाइम है, सही है। डेटा मैं गेट नहीं कर रहा, सही है ना, मैं कुछ और कर रहा हूँ, जस्ट ये आइटम बिल्डर है, यहाँ पर जस्ट बिल्डर होंगे, सही है। एग्जीबिशन टाइल, एंड एग्जीबिशन टाइल में आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ये जो लिस्ट है ये आपके पास वर्टिकल लिस्ट है, ये वाला लिस्ट आपके पास हॉरिजॉन्टल लिस्ट है ना, ये आपके पास एक वर्टिकल लिस्ट भी यहाँ पर हम डाल रहे हैं, यहाँ पर एक और लिस्ट है, मतलब एक चीज आप मल्टीपल लिस्ट भी डाल सकते हैं, सही है। जस्ट वो दिखाने के लिए आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सही। इसको क्या चाहिए, इसमें एग्जीबिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको एग्जीबिशन का एक ऑब्जेक्ट देता है, एग्जीबिशन का ऑब्जेक्ट है, इसमें कौन कौन सी चीज है, इमेज यू आर डेट, थोड़ा नंबर भी देते हैं, 12/12/2021, वही एम डी से कौन सा चीज है, टाइटल है एड्रेस है, टाइटल
एड्रेस में आप इसको एड्रेस दे रहे हैं, सही है। ये आपके पास नीचे रिपोर्ट आइल आ रही है, सही है। अब इसको जस्ट आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल हो, सो अब ये डेटा गेट करना और उसकी उसी के मुताबिक यहाँ पर डिस्प्ले करना, वो आपको मैंने बता दिया, आप उसको खुद कर सकते हैं, सही है। सो आपके पास ये जो डिजाइन था, ये देखें आपके पास ये एक लिस्ट है, ये आपके पास दूसरा हॉरिजॉन्टल लिस्ट है, इसमें कुछ आइटम इतने ज्यादा नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये अब वहां पर नहीं जा रहा, बट एनी हाउ इसमें एक और आइटम ऐड कर देते हैं एंड देन आइटम ऐड कर दिया, इसको रीस्टार्ट करते हैं। अब ये देखें आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू है और ये आपके पास टोटल लिस्ट है, सही है। अब ये डेटा मैंने डेटाबेस से गेट नहीं किया, बट ये डेटा मैंने डेटाबेस से गेट किया है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आपके पास वो कलेक्शन जो है उसे डेटा उठा के यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले करो, तो इसमें इतना कुछ ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, सही है, सिंपल है। एंड आई होप सो कि जो चीजें यहाँ पर डिस्कस करनी थी वो सारी क्लियर है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, सही है। अब इस डेटा को आपने फिल्टर कैसे करना है, फिल्टर का आपको मैं आपको बता चुका हूँ कि फिल्टर एंड फिल्टरिंग आप लोगों ने कैसे करना है, याद है हाँ? क्या याद है हाँ? नहीं याद, चलिए वीडियो देख लें आपको याद हो जाएगा। इस लेट सपोज आपने सर्चिंग करनी है यहाँ पर कि आपके पास जो लेट सपोज मैं जिस म्यूजियम का नेम यहाँ पर लेट सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ पेशावर म्यूजियम, मेरे साथ वो डिस्प्ले हो गया यहाँ पर, सर्चिंग हम करते ना आपके पास डेटा फिल्टर आउट हो जाता, तो फिल्टरिंग आपको मैं बता चुका था, वो फिल्टरिंग आप लोग सर्चिंग में यूज कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पर कस्टम सर्चिंग कर। आप यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट म्यूजियम लिस्ट है नॉर्मल, ये नॉर्मल म्यूजियम लिस्ट है ना, आप यहाँ पर एक और लिस्ट बना दें फिल्टर लिस्ट, फिल्टर लिस्ट का नाम दे, सही है। और आप यहाँ पर एक फंक्शन बना दें जिसमें आपकी फिल्टरिंग का काम हो रहा हो, सही है। तो बाकी मैं आपको कोड कर चुका हूँ, बट जस्ट आपने वो कोड उठा के यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, सही है। और अगर कोई मसला है तो यू आर ऑन योर ऑन, सही है, तो अपने मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं, एनी हाउ अगर मसला है तो इसमें आप बता सकते हैं, बट आपको जस्ट मैंने ओवरव्यू दे दिया कि जो कंसेप्ट हमने वहां पर किया था वो आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। And I think that's all we have for this session specifically. कल का session है, कल के session के लिए हमारे पास topics हैं, तो कल के session में जो topics हमारे इस week के हैं ना, जो rest happy है वो वाला काम है, तो अगर आप लोग interested हैं वो सीखने में तो वो मैं करवा दूंगा कल, या अगर वो नहीं है state management just करना चाहते हैं तो वो भी possible है, but let me think on it कि जो बेहतर है आप लोगों के लिए and then we can just go ahead in that way. So that's all we have for this session now. If you have any questions are most welcome. If you don't have, like, let's complete this session. Any question? Okay, if you don't have any questions, so then let's.